नमस्कार, स्वागत है आपका क्रिकेट केसरी में। मैं हूं आपके साथ प्रवीण यादव। दुनिया में अगर कोई भी खिलाड़ी जो क्रिकेट खेलना चाहता है, उसका सबसे बड़ा सपना होता है कि वो अपने देश के लिए वर्ल्ड कप में भाग ले और वो ट्रॉफी अपने देश के लिए जीते। इसीलिए हर खिलाड़ी इस मुकाम तक पहुंचने के लिए जमकर मेहनत करता है और कई खिलाड़ियों को इस मेहनत का फल भी मिलता है, बेशक उसमें थोड़ा समय ज्यादा लग जाता है। कोई टीम किसी एक खिलाड़ी के दम पर वर्ल्ड चैंपियन नहीं बन सकती, इसका उदाहरण हमने क्रिकेट जगत में कई बार देखा है। भारत के लिए 2003 में सचिन तेंदुलकर हो या फिर 2019 में रोहित शर्मा, दोनों ही खिलाड़ियों ने इस टूर्नामेंट में जबरदस्त प्रदर्शन किया था, लेकिन उनकी टीम वर्ल्ड कप जीतने में सफल नहीं हो पाई थी। हालांकि सचिन का सपना 2011 में अपने छठे वर्ल्ड कप में जाकर पूरा हुआ था, जब भारत ने श्रीलंका को फाइनल में हराकर खिताब अपने नाम किया था। तो आज हम इस वीडियो में उन खिलाड़ियों की बात करेंगे जिन्होंने भारत के लिए वर्ल्ड कप में सबसे ज्यादा शतक लगाए हैं। इस लिस्ट में तीसरे नंबर पर हैं भारत के पूर्व कप्तान सौरव गांगुली, जिनकी कप्तानी में भारतीय टीम ने 2003 वर्ल्ड कप में फाइनल तक का सफर तय किया था। दादा ने 1999 से 2007 तक 3 वर्ल्ड कप में हिस्सा लिया और 3 वर्ल्ड कप में दादा ने 21 मुकाबले खेले, जिनमें 1006 रन बनाए और 4 शतक लगाए। इस दौरान उनका औसत 55.88 का रहा और उनका हाईएस्ट स्कोर 183 रन का रहा था, जो 1999 वर्ल्ड कप में श्रीलंका के खिलाफ आया था। इसके बाद इस लिस्ट में दूसरे नंबर पर भारत के महान बल्लेबाज सचिन तेंदुलकर का नाम है। सचिन के नाम वर्ल्ड कप में सबसे ज्यादा रन बनाने का रिकॉर्ड भी है। सचिन ने 1992 से लेकर लगातार 2011 तक 6 वर्ल्ड कप में भाग लिया और इस दौरान उन्होंने 45 मैच की 44 पारियों में 56.96 की औसत से 2,278 रन बनाए, जिनमें उनके बल्ले से 6 शतक और 15 अर्धशतक निकले। सचिन के नाम एक वर्ल्ड कप में सबसे ज्यादा रन बनाने का रिकॉर्ड भी है, जो उन्होंने 2003 में 678 रन बनाकर अपने नाम किया था। इस लिस्ट में पहले नंबर पर भारतीय टीम के मौजूदा कप्तान रोहित शर्मा का नाम है। रोहित शर्मा ने अभी तक सिर्फ 2 वर्ल्ड कप खेले हैं और इन 2 वर्ल्ड कप में 17 मैचों में 6 शतक जड़ दिए हैं, जिनमें से 5 तो 2019 वर्ल्ड कप में आए थे। रोहित शर्मा एक वर्ल्ड कप में 5 शतक लगाने वाले दुनिया के इकलौते बल्लेबाज हैं। रोहित शर्मा ने अभी तक वर्ल्ड कप में 65.20 की औसत से 978 रन बना लिए हैं। रोहित शर्मा के पास अभी मौका है कि 2023 वर्ल्ड कप में अपने शतकों की संख्या को बढ़ा सकते हैं। फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही। क्रिकेट से जुड़ी और भी ऐसी खबरों के लिए देखते रहिए क्रिकेट केसरी। धन्यवाद।